मैं अब चाहूँगा चेयरमैन को रिक्वेस्ट करना कि अगर वो काइंडली इसको अनवेल कर दें सब दोस्तों के सामने और हम अपनी स्टार जर्सी जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सर। पहले वीडियोग्राफर जो है वो इसको कैप्चर करेंगे, फिर उनको दूसरे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको टाइम दिया जाएगा इसके बाद। जब शुरू बताएं वर्ल्ड कप इजी इजी क्या है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारे साफी बस भाइयों, मीडिया के तमाम जहाँ जो लोग आए हैं, मैं सबको सलाम अलैकुम कहता हूँ। आज एक ग्रेट मोमेंट है कि हम वर्ल्ड कप की जो यूनिफॉर्म है हमारी टीम का, उसकी हम ओपनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस पे आप देखें, इस दफ़ा पाकिस्तान का सब परचम जो है वो हलाली परचम भी इसके ऊपर है, स्टार क्रिकेट का भी हमारे उसके ऊपर लगा हुआ है स्टार जो लगा, और ये इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप की कामयाबी का सबब बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे। अभी आप देखें हमारी जो टीम है इस वक्त वो ODI में हम ऑलरेडी चैम्पियन बन गए, नंबर वन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी टीम की जो हिम्मत है, कोशिश है, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़े हैं उसके वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। तो मैं इसी के साथ आपको भी इंशाल्लाह ताला एडवांस में देता हूं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, हमारी टीम इस वक्त जिस तरह इकट्ठी है, जेल कर रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो कामयाबी है वो हमारी किस्मत में अल्लाह ताला करेगा। तो बहुत शुक्र है उसका जी। जी, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मुनासबत से, किट के रिलीज़ के मुनासबत से हमने एक एड भी शूट किया है। अब हम मीडिया के दोस्तों के लिए वो एड प्ले करेंगे इन 5 सेकंड्स। स्क्रीन के आगे से हट जाइए प्लीज़। थैंक यू। बस
Introducing the Pakistan Star Nation Jersey 2023. Pre-order now at shop.pcb.com.pk. Wear your passion. Thank you very much. इंशाल्लाह ताला जी, ये जो भी गैर मुल्की आते हैं ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। और अभी तक जो एक जिम्बाब्वे के जो चेयरमैन है उनका सुना है प्रेसिडेंट, और दूसरे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आ रहे हैं। हमने पहले अनाउंस इसलिए नहीं किया कि उनको पहले वीज़ा इशू हो जाएँ, जब मेजोरिटी पर आ जाए। इंडियन मीडिया ने तो कल परसों से ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर दी है, तो आ रहे हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, जो भी आ रहे हैं। हमारी जो रवायती मेहमान नवाजी है उससे इंशाल्लाह ताला हम उनकी वेलकम करेंगे। अच्छा, नेपाल के प्रेसिडेंट का भी बता रहे हैं, उनके भी इंफॉर्मेशन आ गई है, उनको भी इनवाइट किया था। हम तमाम बोर्ड्स को हमने इनवाइट किया था, तो जिन जिन की ये आई है तो वो उनको हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। जका साहब, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम नंबर वन बन गई है? आपके इससे पहले भी कामयाब है आपके दौर में, तो आप देखते हैं कि हम एशिया कप या ट्रॉफी लेने में कामयाब हो जाएंगे? जी डेफिनेटली, मैंने जो हम गए हैं अभी हम्बक टूटा श्रीलंका में, मेरे साथ सलमान साहब भी थे, हमारे बोर्ड के दूसरे ऑफिशल्स भी थे, हम जाके मिले हैं। टीम से जो बातचीत की है तो मुझे ये महसूस हुआ है कि हमारी टीम एक बड़ी यूनिटी के साथ आगे बढ़ रही है, एक ऐसे जल की हुई है कि इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है कि अल्लाह कामयाबी देगा, और बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो हमारी तैयारियाँ हैं बोर्ड की तरफ से अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसमें हर लिहाज से हमने किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वो पाकिस्तान के लिए ये इज्जत लेकर आएंगे हमारे घर में। इंशाल्लाह ताला, ये तो जब वक्त आएगा पता चलेगा। मैं तो खैर अभी महीना डेढ़ ही हुआ है बोर्ड में आए हुए, और जो हम हमसे हो सकता है अपने मुल्क के लिए, अपने क्रिकेट के लिए, वो हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एशिया कप का जो हम ये जो माइलस्टोन है इसको बूर करें, फिर हम उस पर काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी। शुक्रिया जी।